हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. एज यू नो, आई एम अनिरुद्ध कुमार शुक्ला, पीजीटी केमिस्ट्री. सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट 10th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस. इन दिस चैप्टर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, देन यू कैन से. सबसे पहले मित्रों, एक बात और भी कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा. और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं या नहीं देखते हैं, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो स्कूल जैसे ही खुलेगा नोट्स आपकी चेक की जाएगी और आपको टॉपिक रटा होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको मार्क्स आगे नहीं मिलेगा. इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स को नोट करते रहिए अपने नोटबुक में और अच्छे से पढ़ते रहिए. ओके, तो गाइज, आज हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, तो देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. जैसा कि आप देख रहे हो, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, देन अब इसमें एक चीज़ और भी है ऐसे चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट्स. जैसे कि अब तक इसके पहले हमने पढ़ा था बहुत सारे टॉपिक को, जैसे कि आपको देख रहे हो टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक थे. सो अब हमको थोड़ा सा हमको आपको चेक करना है. थोड़ा सा मैं इसको जूम कम कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे. ओके, तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट मेनी टर्म. अब इस चैप्टर में हम बहुत सारे मेन टर्म को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने चल रहे हैं. तो इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक को अच्छे से डिस्कस भी किया. तो आज हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. जैसे कि आपको दिख रहा है, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन कई टाइप के होते हैं. इनका नेम आप एक बार चेक कर लो. जैसे कि इनका नेम है, फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है. एंड सेकेंड आप देखिए, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, एंड थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फिफ्थ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. एंड सिक्स है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एंड सेवन्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. रिडक्शन रिएक्शंस मैंने नोट किया है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस. इट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. ओके, तो अब हम आपको, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए टोटल आपके 10th स्टैंडर्ड में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मेनली. देन यू कैन से देयर आर मेनली फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. फर्स्ट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एंड सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टर्म को. अब इसमें सेकेंड टर्म इट मीन्स अब हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक टॉपिक को. देन जैसे कि फर्स्ट हमारा है, आप देख रहे हैं फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, देन यू कैन से अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? आप बहुत सिंपल वर्ड में फर्स्टली यू कैन से अबाउट कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करके जो प्रोडक्ट मिल जाए वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. जैसे किसी चीज़ को आप कंबाइन करोगे, इसका मतलब आप उसको ऐड कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो. तो इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हम स्टूडेंट्स एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं. आप एक बार अपने माइंड से सेटअप करो कॉम्बिनेशन एडिशन. कॉम्बिनेशन मीन्स होता किसी चीज़ को कंबाइन करना, इकट्ठा करना. और ऐसे ही रिएक्शन को हम एक वर्ड में और भी कहते हैं, एडिशन रिएक्शन. ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन. ओके, क्लियर नाउ. अब जैसे कि इसमें फर्स्ट है आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, टुडे वी विल नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो स्टूडेंट्स, यू कैन से अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर रिएक्ट विद ईच अदर. ओके, टू प्रोड्यूसेस ओनली वन प्रोडक्ट, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. मैं आपको फिर से समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके एक केवल ओनली वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हों, केवल वन प्रोडक्ट देते हों, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक फर्स्ट एग्जाम्पल इज C+O2 gives out to CO2. अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी स्टूडेंट, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बिफोर वन डेज यू कैन से, एक दिन पहले मैं आपको बताया था बहुत अच्छे से कि इस सिंबल को हम किस नेम से जानते हैं. इस सिंबल को आप बताइए. तो इस सिंबल को हम जानते हैं
रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है कि इरिवर्सिबल। जैसे अभी एक दिन या दो दिन के वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट स्टडी कराया, अच्छे से आपको इंडिकेट करके बताया कि इस सिंबल को हम कहते हैं इरिवर्सिबल साइन, ये साइन है इरिवर्सिबल का। तो इस प्रकार से आपको ये बेसिक टॉपिक केमिस्ट्री में नहीं भूलना है, तभी आप आगे केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और आपको अच्छा नॉलेज भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम चेक करते हैं इसका सेकंड एग्जांपल। जैसे कि इसमें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ एक बार फिर से, सी प्लस ओ टू मिलकर बना सी ओ टू। तो इसमें सी क्या है, सी सब्सट्रेट है, ओ टू क्या है, रिएजेंट है, सी ओ टू हमारा प्रोडक्ट है, और सी ओ टू के बाद अगर प्लस करके यहाँ कोई चीज़ और बनता तो उसे हम बोलते बाई प्रोडक्ट। ओके, तो अब हम इसमें आपको स्टूडेंट सेकंड में बताने चल रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल है कम्बिनेशन। और कम्बिनेशन में देखो, इसमें दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके ओनली वन प्रोडक्ट शो कर दिए, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। एंड सेकंड में स्टूडेंट्स आप चेक करिए, CaO plus H2O कंबाइंड विद ईच अदर टू प्रोड्यूसेस CaOH का होल ट्वाइस। तो इसको थोड़ा सा आप केयर करिए, CaO ये फर्स्ट रिएक्टेंट, H2O सेकंड रिएक्टेंट, दोनों आपस में कंबाइन कर लिए और कंबाइन करके ओनली वन प्रोडक्ट ना गिव्स आउट किए, शो किए। तो इस प्रकार से ये हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इट इज आल्सो कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एक चीज और स्टूडेंट्स आप केयर करिएगा, CaO को हम कहते हैं क्विक लाइम, इसका एक नाम और है, जैसे कि मैंने नोट भी कर रखा है नीचे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है CaO को, Ca मीन्स कैल्शियम, O मीन्स ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनागा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकेंड H2O को हम कहते हैं वाटर, वाटर का बेसी नेम होता है एक्वा। ओके, एंड प्रोडक्ट है CaOH का होल ट्वाइस, इट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज आल्सो कॉल्ड यू फिर से आप देखिए लाइम वाटर। लाइम वाटर, लाइम वाटर का मतलब जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर मिलाएंगे तो जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा लाइम वाटर, और इसी को हम एक नाम से और भी जानते हैं स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक चीज़ और भी बताऊँ, आप गाँव में देखते होंगे कि पहले के लोग घर में वाइट वाशिंग के लिए क्या करते थे, चूना खरीद के लाते थे, रखते थे, और ऐसे भी नॉर्मल देखिए जो लोग पान खाते हैं वो चूना खाते हैं, तो चूसी जो चूना खाया जाता है स्टूडेंट्स उसी को ही कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब हम लोग मार्केट में चूना खरीदते हैं तो उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और उस कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर मिलाते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज आल्सो कॉल्ड लाइम वाटर डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम लाइम वाटर भी कहते हैं। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू, आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो एक बात और भी स्टूडेंट्स, इस समय कोरोना जो है बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हुआ है, और इसकी वजह से देश में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को और सभी को। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने घर पे ही रहें, सेफ रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आपको मालूम है कई टीचर्स वीडियो बना के आपको सेंड कर रहे हैं जिससे आप अपडेट हों, लाइफ में आगे बढ़ें, और अच्छे से बैठ के नोट्स नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए। और जो भी टीचर्स या क्लास टीचर या कोई भी टीचर आपको कोई भी चीज़ के बारे में निर्देश शो कर रहा है उसको आप अच्छे से नोट करो, पढ़ो। ओके, तो अब हम आगे स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ लिया, अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स सेकेंड टॉपिक को। जैसे कि फर्स्ट मैंने पढ़ लिया खूब अच्छे से कम्बिनेशन रिएक्शन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड टॉपिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसी को हम स्टूडेंट्स कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देन यू कैन से अबाउट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड विच आर ब्रेक डाउन इन टू टू और मोर सिंपलर कंपोनेंट्स, then this type of reactions are called decomposition reactions. I repeat again, decomposition reaction. What do you understand by decomposition reaction? Then you can say about decomposition reaction, okay? Then you can say about decomposition reaction, the reaction in which a compound which are break down into two or more simpler components, then this type of reactions are called decomposition reactions. It means students, ऐसा कोई भी compound जिसको हम break करें, break करने के बाद वह compound, वह reactant break होता है दो या दो से अधिक simpler means बहुत छोटे छोटे component में, ऐसे reaction को हम कहते हैं decomposition reaction. For example, मैं आपको आपको normal बता रहा हूँ, आप देखते होंगे गांव area में
हैं किसी एरिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग क्रिएचर लाइक एज यू कैन से डॉग, कैट एट्सेट्राज, बफेलोज, काओ एट्सेट्राज, इन सबको जब ये डेड हो जाते हैं तो इनको बाहर फेंक दिया जाता है। तो क्या होता है, ये डिकेइंग, इनके अंदर डिकम्पोजिशन शुरू होता है, डिकेइंग होता है, ये सड़ते हैं। और देखिए पहले बहुत बड़े दिखते हैं, जब डेड होते हैं उस समय फेंका जाता है, बहुत बड़े रहते हैं। जब बड़े रहते हैं तो देखिए वो एक कंपाउंड के रूप में है, आप एक एग्जांपल समझिए, वो एक कंपाउंड के रूप में है, लेकिन उसमें जैसे बैक्टीरिया या यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको खत्म करते रहते हैं, तो वो देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में उनको खत्म कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में कैसा था वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, का मतलब एक कंपाउंड था, बाद में छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, अब हम आपको मैं एग्जांपल बताने चल रहा हूँ अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट एग्जांपल, सपोज करिए हमारे पास एक रिएक्टेंट ए बी है, और यह रिएक्टेंट एक कंपाउंड के फॉर्म में है, और इस कंपाउंड को सपोज करिए हमने हीट का सिंबल दे दिया। आपको हीट का सिंबल स्टूडेंट ऐसे शो करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ऐसे छोटा सा ट्रेंगल के रूप में आप बनाइएगा स्टूडेंट्स, ऐसे, ओके। तो ये हीट का सिंबल है, या हीट का सिंबल नहीं बना पाते हो आप, सो स्टूडेंट यू कैन हीट, एरो के ऊपर आप हीट नोट कर दो, तो ये भी ठीक है। हीट करने पर या ऐसे नॉर्मल रखने पे ही धीरे धीरे डिकेइंग शुरू हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक कंपाउंड है, हीट करने पर ये टू अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ अब हम इसमें सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम इरिवर्सिबल, देखो साइन किसका है, रिवर्सिबल का एरो नहीं है, ये एरो जो है, ये एरो इरिवर्सिबल का साइन है, कभी भी रिएक्शन मगर ऐसे एरो लगा है तो स्टूडेंट यू कैन से दिस इज इरिवर्सिबल साइन, ओके। देन यू कैन से आप जैसे कि देख सकते हो, एक मिनट, यस, अब देखिए, अब जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट करेंगे, हीट करने पर इट कन्वर्टेड फर्स्टली कैल्शियम ऑक्साइड एंड सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखते हैं किसी कंपाउंड के राइट साइड में अगर आपको ऐसे ऊपर साइड में एक एरो दिखता है, ऐसे ऊपर साइड में एरो दिखता है, इसका मतलब है कोई गैस लिबरेट हो रही है, रिलीज हो रही है, वहाँ से कोई गैस निकल रही है। अब जैसे देखिए CO2 के साइड में देखो एरो बनी है ना, तो इसका मतलब इस एरो का मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, निकल रही है, ओके। तो इस प्रकार से एक कंपाउंड था स्टूडेंट्स, ओके, यस, एक कंपाउंड था, ये ब्रेक हुआ दो या दो से अधिक कंपोनेंट में, देन यू कैन से दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक चीज और भी आप नोट करिएगा, CaCO3 का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CA मींस कैल्शियम, CO3 मींस कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। एंड एक चीज और, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, लाइम स्टोन। अभी 10th में आप पढ़ोगे, आपको कई स्थान पे कैल्शियम कार्बोनेट के प्लेस पे लाइम स्टोन नोट मिलेगा, ओके। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप केयर करिएगा। और अब हम आपको बताने में चल रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल इसका है H2O2। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट, ओके, सॉरी, यस, ओके। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मिस्टेक हुआ, उसके लिए सॉरी। अब मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल इसका है स्टूडेंट्स, ये आप देखिए सेकंड एग्जांपल है H2O2, इसके आगे 2 है। मैंने आपको कई बार, मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। तो इसमें आप चेक करिएगा स्टूडेंट, जैसे दिया है H2O2 में देखिए H2O2 का नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ऑक्सीजन की मेनली 3 फॉर्म है, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, अभी आप ऐसे बेसिक कंपाउंड का नाम समझिए। इस कंपाउंड का नाम है स्टूडेंट्स H2O2, H2O2 मींस हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 के पहले 2 है, 2 मींस 2 मोल। अब कई बार मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपाउंड के पहले अगर 2, 3, 4 है, पहले है, किसी भी कंपाउंड के पहले कोई नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है मोल को, ओके। एंड अब आप देखिए, ये कंपाउंड है, एक रिएक्टेंट है, ये ब्रेक होता है, ब्रेक होता है दो या दो से अधिक सिंपलर कंपोनेंट में। फर्स्ट कंपोनेंट इसका वाटर है, सेकंड कंपोनेंट इसका ऑक्सीजन है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड टाइप नेम इज
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेस का मतलब किसी का प्लेस आप चेंज कर दो, चाहे वो मेटल का प्लेस चेंज करिए, चाहे नॉन मेटल का प्लेस चेंज करिए। यदि कोई आप, पहले मैं स्टूडेंट आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड अच्छे से करिए पहले। कोई स्ट्रांग मेटल है, यदि वह स्ट्रांग मेटल किसी लेस स्ट्रांग मेटल के प्लेस से उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे मेटल डिस्प्लेस। यदि बेटा मेटल डिस्प्लेस करेगा तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और नॉन मेटल डिस्प्लेस करेगा तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज वेरी सिंपल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर टू टाइप, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें डिस्कस करना होता है कि डिस्प्लेस कर कौन रहा है, मेटल कर रहा है नॉन मेटल कर रहा है। यदि मेटल करेगा तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल करता है तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन यू कैन से अ रिएक्शन इन व्हिच स्ट्रांग मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस फ्रॉम देयर पोजीशन ऑफ लेस स्ट्रांग मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट्स। इसका मतलब कोई स्ट्रांग मेटल या कोई स्ट्रांग नॉन मेटल किसी भी लेस स्ट्रांग मेटल या लेस नॉन लेस स्ट्रांग मेटल और नॉन मेटल, जो लेस नॉन स्ट्रांग मेटल हो, ऐसे मेटल या नॉन मेटल को, जो स्ट्रांग मेटल या नॉन मेटल है वो लेस स्ट्रांग नॉन मेटल या मेटल को उसके पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कर दे, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच स्ट्रांग मेटल और नॉन मेटल स्ट्रांग मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस फ्रॉम देयर पोजिशन ऑफ लेस स्ट्रांग मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट्स। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेम ऑफ द फर्स्ट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकेंड इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड पॉइंट, ये है। इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। जैसे इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से देखिए आप। ओके, वन मिनट, यस, ये आप अच्छे से देखिए इसको। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, फर्स्ट है CuSO4 प्लस ZN गिव्स आउट टू ZnSO4 प्लस Cu। इट मीन्स, अब यहाँ समझना है CuSO4, Cu मीन्स कॉपर, SO4 मीन्स सल्फेट। CuSO4 कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जिंक मेटल के साथ हो रहा है। अब एक नेक्स्ट या किसी अगले वीडियो में आपको अच्छे से बताया जाएगा एक मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, कौन स्ट्रांग मेटल है कौन लेस स्ट्रांग मेटल है। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, जो स्ट्रांग, अब देखिए यहाँ पे कॉपर एंड जिंक आपके पास दो मेटल हैं, दो मेटल में हाईली स्ट्रांग मेटल जिंक है, लेस स्ट्रांग मेटल कॉपर है। इसीलिए स्ट्रांग मेटल जिंक लेस स्ट्रांग मेटल कॉपर के प्लेस को CuSO4 से कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर देगा और वहां स्वयं जाकर सिचुएटेड हो जाएगा और बना देगा वहां पे प्रोडक्ट ZnSO4 और कॉपर वहां से रिमूव हो जाएगा। यहां पे एक चीज और अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट आपको, जैसे कि मैं एक टॉपिक आपको बता रहा हूं, जैसे कंपाउंड है CuSO4, इसके साइड में आप देखो AQ लिखा है। AQ का मतलब यहां मैं नीचे अच्छे से समझा दिया हूं। AQ मींस स्टूडेंट एक्वस, एक्वस की हिंदी होती है जली। जली का मतलब जिसका मीडियम जल की तरह हो, लिक्विड टाइप में कुछ मीडियम हो, तो उसे हम बोलते हैं जली। और ब्रैकेट में कहीं पे देखो यस है, यस का मतलब सॉलिड मीडियम। यहां पे आपको कंपाउंड समझना है, जैसे कॉपर सल्फेट है तो ये एक्वस मीडियम में है और जिंक है आपका स्टूडेंट। ओके सॉरी, वन मिनट स्टूडेंट्स, यस। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप एक बार यहाँ पे केयर करिएगा। यहाँ पे सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ वीडियो में बताते समय, थोड़ा सा जो फिगर आ गया उसके लिए सॉरी। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, दूसरा एग्जांपल है आपका, दूसरा है कॉपर सल्फेट, एक्वस ए भी है। एक्वस मीन्स तुरंत समझ लीजिए कि इसका एक्वस मीडियम मीन्स हुआ जली मीडियम है। इसका आयरन, देखो FeSO4 का मतलब हुआ है फेरस सल्फेट, लेकिन आप इसको आयरन सल्फेट के नाम से भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा FeSO4 का मतलब है, FeSO4 मीन्स, Fe मीन्स आयरन, SO4 मीन्स सल्फेट, आयरन सल्फेट कह सकते हो, या इसका एग्जैक्ट जो एग्जैक्ट केमिकल नेम है इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेरस सल्फेट। ओके, सेकेंड मेटल है जिंक। जिंक हाईली रिएक्टिव है, आयरन जो है उससे लेस रिएक्टिव है, इसलिए जिंक मेटल FeSO4 से Fe को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करेगा और वहाँ पे स्वयं चाके अटैच हो जाएगा और बना देगा ZnSO4 और Fe आयरन वहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो गाइज, अब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं,
और इसके बारे में अब हम आपको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ गाइस बहुत अच्छे से। एक आयरन के देखिए, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सभी मेटल स्टूडेंट डी ब्लॉक के मेटल हैं। और डी ब्लॉक के आपको अच्छे समझते रहिए किस ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के मेटल हैं। अभी आपको डी ब्लॉक कम समझ में आ रहा होगा लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल का नाम आपने सुना होगा। पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट जो है वो 4 ब्लॉक में डिवाइड है, यस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। ओके, तो यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको इस 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। और इन्हीं ब्लॉक को हम सबसेल भी कहते हैं, जैसे यस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको अच्छे से फिर से समझना है, तो यहाँ पे जो मेटल, जितने भी मेटल कभी आप हमने यूज किया यहाँ पे, वैसे आप चाहे जिसका यूज करिए, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने मेटल का इस एग्जाम्पल में यूज किया गया वो सभी डी ब्लॉक के हैं। डी ब्लॉक को ही कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन का मतलब इनको इनका ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब डिफर, बार बार वेरिएबल, वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। इसलिए क्योंकि इनमें कंडीशन होती है, इनमें डी का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, यस सबसेल में जाता है, और यस से कभी कभी मूव करके फिर से डी में आ जाता है, डी मीन्स इनर में आ जाता है। इसलिए इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी ब्लॉक मेटल। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट आयरन हमारा Fe है, Fe हमारा आयरन मेटल है। आयरन का जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2 फॉर्म में होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट पे कभी कभी Fe के ऊपर 2+ आता है, कभी कभी Fe के ऊपर स्टूडेंट 3+ आता है। तो जब स्टूडेंट Fe के ऊपर 2+ आएगा तो उसका नाम रट लीजिए, फेरस, 3+ तो फेरिक। हाउ कैन यू नो अबाउट Fe 2+, Fe 3+ इन द नाम ऑफ फेरस ऑफ फेरिक, इसको आप समझिए। इसमें जो नेम फेरस ऑफ फेरिक है स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड आपको करना है कि देखिए किसी भी कोई एक मेटल है, यदि उसके पास सबसे कम बैलेंसी आती है, सबसे कम चार्ज आता है तो अस ग्रुप लगेगा, और उसी भी मेटल के ऊपर ज़्यादा चार्ज आएगा तो एक ग्रुप लगेगा। जैसे देखिए दो मेटल है, एक बार यहाँ पे आप स्टूडेंट केयर करिएगा, या फिर 2+ है तो कम चार्ज है, या फिर 3+ है तो ज़्यादा चार्ज है। तो जब लेस चार्ज होगा तो नाम अस अस लगेगा तो फेरस होगा, और ज्यादा चार्ज होगा तो उसमें इक लग जाएगा तो नाम बन जाएगा फेरिक, भूलना नहीं। इसी प्रकार से आप एक एग्जांपल और बता सकते हो स्टूडेंट, जैसे सपोज करिए कापर आपके पास है, कापर भी 2 टाइप की बैलेंसी रख सकता है, कभी कभी कापर के ऊपर 1+, कभी कभी कापर के ऊपर 2+। जब कापर के ऊपर 1+ होगा तो अस लगेगा तो नाम होगा क्यूप्रस, और जब कापर के ऊपर 2+ लगेगा तो नाम होगा क्यूप्रिक। समझ में आया स्टूडेंट? तो इस प्रकार से डिस्कस हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक को डिस्कस आज किए। तो नीचे दिया है इट इज़ अ डी ब्लॉक मेटल, सो इट हैज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नोट में लिखा है, क्या नोट है मेंशन है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है, उसका प्रोडक्ट बनता है सी एंड बाई प्रोडक्ट बनता है डी। देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक दिन बताया था अभी एक दिन पहले कि कोई भी टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, और उसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें नहीं बता पाया। हाउ कैन यू नो अबाउट इन एनी केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज सब्सट्रेट, व्हाट इज रिएजेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट एंड व्हाट इज बाई प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स उसमें हमें आपको अच्छे से नहीं बता पाया, लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको अच्छे से बता दिया, और इसमें आप रट लीजिए हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट्स, जो एक मिनट स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा वीडियो मैं इधर कर लूँ, जूम कर लिया हूँ। ओके यस, आप देखिएगा अच्छे से पहले से देख लीजिए, ये ए के बिलो साइड में देखिए क्या है, जेडन मेटल है, और उसके नीचे है सफ्ट्रेट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप अच्छे से समझ लीजिएगा, तो जिंक के नीचे सफ्ट्रेट है, इसका मतलब समझिए कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें सबसे पहला जो रिएजेंट होगा, वैसे तो रिएजेंट इसमें ए बी दोनों है, एरो के बिफोर एरो जितने भी कंपोनेंट होंगे, ऑल द कंपोनेंट आर कॉल्ड रिएक्टेंट। और उसमें कई, मान लीजिए कि एरो के पहले कई रिएक्टेंट हैं, तो जो सबसे फर्स्ट होगा वो सब्सट्रेट होगा, उस आफ्टर जस्ट सब्सट्रेट आर कॉल्ड रिएजेंट। एंड जब दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोड्यूस करेंगे, गिव्स आउट करेंगे, तो जो पहला कंपोनेंट बनेगा वही प्रोडक्ट कहलाएगा, और उसके बाद जो बनेगा स्टूडेंट वो बाई प्रोडक्ट कहलाएगा। खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा इस वीडियो को बहुत अच्छे से। ओके, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाई चैनल को।
सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारी नोटिफिकेशन 10th क्लास की जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर कोई किसी बच्चे का छूट गया है, सारी उसमें जो है आपको नीचे आप उसमें देख सकते हो आराम से, बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करके, और उसमें सारा आपको बहुत बेटर तरीके से सारा वीडियो आपको नीचे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। सारी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी, उस नोटिफिकेशन में आप सारे वीडियो को वॉच कर सकते हो। इसलिए गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लिया करिए, सब्सक्राइब से कुछ होता नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो आपको भी बेटर रहेगा, मेरा भी बेटर होगा। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू गाइज, अब टुडे इज इनफ, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल आपसे हम फिर से मिलेंगे। इसलिए आज के दिन इस पूरे नोट्स को आप अच्छे से नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड लक।